देखिए एस्ट्रोलॉजिकली पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह से शनि की साढ़ेसती का कुप्रभाव जो है हट चुका है। और आपका जो बीजेपी का कैंडिडेट है, क्या नाम है उनका? अगर आप पूजा पाठ ज्योतिषी और भविष्यवाणी में विश्वास रखते हैं तो ये मान लीजिए कि पवन सिंह को इसके तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, महान ज्योतिष कहे जाने वाले से जब पवन सिंह के बारे में पूछा गया और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछा गया कि एक पवन सिंह है जो कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों के बारे में आप बताइए कौन सा वहां से अपनी सीट हासिल कर रहा है, किसकी जीतता है। तो वहां पे ये महान ज्योतिष ने अपनी राय देते हुए ये बताया कि जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी राशि थोड़ा डाउन दिख रही है पवन सिंह के मुकाबले। पवन सिंह की जीत जाने की वहां चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आगे हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि पवन सिंह पूरी तरीके से फिक्स हो चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी तक बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, बहुत सारी जो है दिक्कतें आ रही थी रास्ते में, क्योंकि उनका नामांकन तो उन्होंने कर दिया था लेकिन उनके नामांकन जो एफिडेविट बनता है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट वो सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। हालांकि पवन सिंह अपने एक बैकअप के लिए अपनी माँ का भी नामांकन करवाए थे, बट उनकी ये सोच बूझ और एक स्मार्ट दिमाग बोल सकते हैं, इसके लिए उनको बहुत ही धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा दिमाग सोचा। नहीं तो अंतिम समय में अगर पवन सिंह का नामांकन रद्द हो जाता तो सारी मेहनत बेकार जाती। हालांकि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पवन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और उनका जो है अप्रूव्ड हो चुका है और बहुत जल्द पवन सिंह को चुनाव चिन्ह भी मिलने वाला है, तो उस पर हम अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। पहले आप लोग ये ज्योतिष का पूरा वीडियो देखिए। काराकाट की सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार जो है, मतलब एनडीए का जो उम्मीदवार है वो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। वो केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, राज्य मंत्री रह चुके हैं वो। तो काराकाट में पवन सिंह जो कि इतना फेमस भोजपुरी के एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनका क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए एस्ट्रोलॉजिकली पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह से शनि की साढ़ेसती का कुप्रभाव जो है हट चुका है। और आपका जो बीजेपी का कैंडिडेट, क्या नाम है उनका? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की जो राशि है वो आपकी जो है मेष राशि है, तो वहां पर शनि की तृतीय दृष्टि है। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने समाज में डिजायर्ड रिजल्ट दिए हैं तो भी बहुत कठिन है उनके लिए।